बच्चों को टागल बच्चे दे दो, हमें कुछ नहीं जाता। बीते दिनों सोनीपत के उमेदगढ़ गांव के दो युवकों की मौत का मामला सामने आया था। परिजनों को अन्नू और मोहसिन के शव यमुना नदी के मीमारपुर घाट पर मिले थे, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही युवकों पर हत्या का शक जताकर चौकी में केस दर्ज कराया था। लेकिन केस दर्ज होने के करीब 9 दिन बाद भी अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार जरूर किया है, मगर उस पर भी अभी तक और कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने लघु सचिवालय जाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। मैं तो बस पूछना चाहता हूँ, इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों को कितने से को लेके उठाकर और बच्चों को टागल देंगे। किस प्रकार से अंजाम दिया, कौन था, कौन लेके गया था, कैसे मारा? बस जाम, मैं तो बस कुछ नहीं चाहता ना, हम किसी तक झगड़ा चाहते हैं ना किसी तक कुछ गलत वो करना चाहते हैं, बस हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों जैसी हमारे बच्चों गैल कर रही है ना, हम तो नुका भाई नुका उनकी गैल भी ना ऊपर, हमें इंसाफ चाहिए। हम हमारे बच्चे दे दो, हमें कुछ नहीं चाहता किसी के लिए। बीती 19 जुलाई को उनके बच्चों के शव यमुना नदी के मीमारपुर घाट पर मिले थे। परिजनों का आरोप है कि दोनों छात्रों की हत्या करने के बाद शवों को नदी में फेंका गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन जानबूझकर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, इसलिए वह आज न्याय की गुहार लगाने के लिए लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। का था मेरे देवर का अन्नू मियां, एक मेरे पास का वो भी जेठ का लड़का, वो मोहसिन मियां, और उन्हें घर से ले गए उठा के। कौन लेके गया था, कैसे, क्या मामला, क्या हुआ बताओ पूरा। और तो वहाँ जमुना पे ले गए मार के, जमुना में घेर डाले, जमुना में घेर दिए मार के, उनका चोट है ज्यादा वो है, इसलिए हमारी सुनाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे घर परिवार है, जेठ है, देवर है, जो भी है, मेरी माँ है, बहन है, जो भी होकर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई भी अगर सुनाई नहीं है। अब तो उन्हें बच्चा ने इंसाफ चाहिए या वो चाहिए जी, हम क्या करें, गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले। जानकारी के मुताबिक दोनों स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे और गाँव सनखेड़ा के रहने वाले बच्चों के साथ यमुना नदी पर गए थे। परिवार के सदस्यों ने भी गांव सनपेड़ा के युवकों पर ही बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। पिछले संडे को हुआ था ये हादसा, जिसमें हमने FIR नंबर 247 अंडर सेक्शन 302 दर्ज कर दी थी, जिसमें अभी तक हमारी जाँच चल रही है, जिसमें मैं भी कल मौके पर जाके देख के आया था कि भाई ये घटना कहाँ हुई थी, इसमें अभी हमारी जाँच। परिजनों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर टाल मटोल कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। बहरहाल पुलिस ने यमुना नदी पर मौके का मुआयना किया है और इस मामले में हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी पूरे मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।